तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है इन्फिनिक्स जीरो 5G 2023 टर्बो। इस फ़ोन के अंदर अगर आप पासवर्ड लगा के भूल गए तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हैं ऑन, तो आज हम करेंगे हार्ड रिसेट हमारे फ़ोन को। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे फ़ोन को सबसे पहले कर लेना है स्विच ऑफ। इसके लिए जो साइड वाला बटन है उसके अंदर जो पावर वाला बटन है उसको आपको प्रेस करके रखना है और आपका जो फ़ोन है वो हो जाएगा स्विच ऑफ। तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन का पासवर्ड हटाने के लिए जो हार्ड रिसेट वाला ऑप्शन है उस पर आपको चले जाना। तो सबसे पहले आपको जो आपका फ़ोन का पावर बटन है और साथ में जो वॉल्यूम अप करने का बटन है उसको प्रेस करके रखना है। थोड़ी देर तक प्रेस करना है और वेट करना है। तो मैं जो है इसको प्रेस कर लेता हूँ और वेट कर लेता हूँ। पावर बटन को प्रेस करके रखना है, साथ में वॉल्यूम बटन को भी। फिर थोड़ी देर बाद जो पावर बटन है उसे छोड़ देना है, वॉल्यूम बटन को प्रेस करके रखना है, नहीं तो आपका जो फ़ोन है वो हार्ड रिसेट के लिए ऑप्शन नहीं आएंगे, पावर ऑन हो जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं कभी कभार XOS करके भी ऑप्शन आ जाता है, तो इसके लिए क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। या तो हार्ड रिसेट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, नहीं तो SOS का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को 2 से 3 बार प्रेस करते रहना है, 1 से 2 बार 3 बार 4 बार। जितनी बार आप प्रेस करेंगे आपका जो हार्ड रिसेट का ऑप्शन है वो ऑन हो जाए, तब तक आपको प्रेस करना है थोड़ा थोड़ा वेट करके। जैसे दोनों को साथ में प्रेस करना है, तो मैं दोनों को साथ में प्रेस कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं 2 से 3 बार प्रेस कर चुका हूँ, तो आपको जो आपका पावर और आपका जो है वॉल्यूम अप बटन को साथ में प्रेस करना। तो देख सकते हैं ये हमारा ऑप्शन आ चुका है। तो सबसे पहले ऑप्शन है वो है हमारा रीबूट सिस्टम, फिर आपका है रीबूट बूस्टर, फिर एंटर फास्ट बूट, इसके बाद अप्लाई टू अपडेट फॉर SD कार्ड, इसके बाद फिर आपको वेब डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ जाता है, फिर इसके नीचे आ जाएगा काफ़ी सारे ऑप्शन है, ग्राफिक का है, टेस्ट का और पावर ऑफ का भी ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चले जाना है, तो हम चले जाते हैं सबसे ऊपर के ऑप्शन में। अभी तो ये वाले जो ऑप्शन है ये हमें इनमें हमें किसी में नहीं जाना है, तो हम बैक कर लेते हैं। बाकी हम आ जाते हैं, देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन है इसमें, हमें मिल जाता है एक ऑप्शन वेब डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसके ऊपर मैं चला जाता हूँ। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इसके बाद आप देख सकते हो कैंसिल और नीचे आ जाएगा फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री डेटा रीसेट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ देख सकते हैं क्या होता है, मैंने जैसे ही क्लिक करा थोड़ा सा वेट करेगा और वापस ऑन हो जाएगा। इसका मतलब जो है हमारा जो फैक्ट्री रीसेट है वो हो चुका है। तो पहले तो प्रोसेस भी होती है, बट अभी क्या डायरेक्टली हो गया है, प्रोसेस कुछ इसमें शो करी नहीं, तो काफ़ी जो फास्ट ये जो है आपका जो हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम चले जाते हैं जो फैक्ट्री रीसेट है एक बार और फिर से कर देते हैं। मैंने देख सकते हैं 2 बार कर दिया है और ये दोनों बार हो चुका है, मतलब हमारा जो डेटा है वो इरेज हो चुका है। अब जो है हम आ जाते हैं जो रीबूट सिस्टम नाउ का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। रीबूट सिस्टम को एक्टिवेट करते से आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है वो रीबूट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा फ़ोन है ऑन हो जाएगा। तो काफ़ी वीडियो मैंने जो हटा दिए बीच में से, आप देख सकते हैं ये काले सारे सेक्शन से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो आपका जो फ़ोन जैसे स्टार्ट होता है वैसे आपको स्टार्ट कर लेना है जैसे रीस्टार्ट होके होता है। तो सारी चीज़ें करने के बाद आपका जो फ़ोन है वो हो जाएगा स्टार्ट। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन को कर सकते हैं हार्ड रीसेट काफ़ी फास्टली। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।